नमस्कार, मैं हूं कौस्तुभ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रात्रि गश्त के दौरान अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापा मारकर बड़े पैमाने में बना अधबना गुटखा बरामद किया है। साथ ही गुटखा बनाने वाली मशीन सहित 5 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध गुटखा फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर गुटखा व मीठी सुपारी बनाने का काम चल रहा था। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम रात्रि में गश्त कर रही थी, तभी उरई रोड पर लोकेन चौहान के घर पर अवैध गुटखा फैक्ट्री चलने की सूचना मिली तो छापा मारा तो मकान से भारी मात्रा में अवैध बना अधबना गुटखा सहित गुटखा पैक करने की पन्नी और गुटखा बनाने की मशीन बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान अवैध गुटखा फैक्ट्री में काम कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में मकान में काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर अवैध गुटखे का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने अवैध गुटखा बना रहे 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस 7:08 की रात की घटना है। ये थाना राठ की पुलिस द्वारा गश्त किया जा रहा था। इस बीच में जानकारी मिली कि क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल है उरई रोड पे, उसी के बगल में एक मकान है जहाँ पे नकली गुटखा बनाया जा रहा है। इसकी सूचना पे थाना राठ की पुलिस पहुँची तो वहाँ पे नकली गुटखा बनाने का सारा सामान पकड़ा गया और मौके से 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 5 व्यक्तियों से जो पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये लोकेन चौहान नाम के व्यक्ति का मकान है जहाँ पर ये लोग मिलकर गुटखा अवैध रूप से गुटखा बनाते हैं। ये 5 व्यक्ति के नाम हैं सोनू पांडे, कन्हैया द्विवेदी, नियाज बाबू, प्रिंस द्विवेदी और लोकेन्द्र सिंह चौहान। मौके पर भारी मात्रा में नकली गुटखा बनाने का रैपर था, अन्य सामान बरामद किया गया जिसमें एक गुटखा बनाने वाली मशीन, एक 5 बंडल गुटखा का रैपर बरामद हुआ, 5 पाउच मिसी सुपारी बरामद हुई है और एक बोरी में करीब करीब 25 किलो के आसपास नशीली तंबाकू थी और 3 बोरी में कटी हुई करीब 90 किलो के आसपास कटी सुपारी थी और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। मौके पर इसकी जांच की जा रही है, जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई से बनती आगे कराई जा रही है।